जो शासन की योजनाएं चल रही हैं वो लागू हों और जनमानस को इसका पूरा लाभ मिले, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। जो जनमानस की समस्याएं हैं, चाहे पीडीएस हो, सीमांकन या कब्जे को लेकर काम किया जाएगा, इससे अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सके, ये बात पौहरी एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण करते समय राजन बी नाडिया ने कही। हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन के आपसी समन्वय से पौरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए। हम धारा 144 के आदेश निकालकर बाहर क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव जांच साथ में लाने पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा चेक पोस्ट के माध्यम से बाहर से आने जाने वालों पर निगरानी की जाएगी। एसडीएम नाडिया का स्वागत एसडीएम कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने फूलमाला पहनाकर किया। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारियों ने सभी अधिकारी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और पौहरी में चल रहे कामों के बारे में बातचीत की। इसके बाद एसडीएम ने कर्मचारियों से बात की, दिशा निर्देश दिए कि कर्मचारी अपने अपने कामों पर ध्यान दें, दायित्वों का निर्वहन करें, काम में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। गौरतलब है कि राजन बी नाडिया इससे पहले पिछौर में एसडीएम के रूप में पदस्थ थे। पिछौर के साथ करेरा, मुगावरी, जौरा, सबलगढ़, मंदसौर आदि जगह पर ईडीएम के रूप में पदस्थ थे। यहां पर उन्होंने अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित किया। शासन की योजनाओं का लाभ सभी को दिलाया जाएगा। सर, पौरी एसडीएम के रूप में आज पद भार ग्रहण किया, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? जो भी शासन की योजना चल रही है वो जल्दी पर लागू हो जाए, पहले आप ये चाहेंगे। और जो कुछ रेवेन्यू के समाधान पर बहुत सी पेंडिंग हुई, जैसे पेट साहब ने कल बताया था, वो भी अभियान रूप करने पड़ जाए। यहाँ पर जैसा कोरोना में अभी तीसरी लहर की संभावना चल रही है, तो उसमें भी अच्छी व्यवस्था था और ये बीमारी ना फैल पाए, उसमें भी बहुत तेज गति से काम किया जाना, उस पर भी काम किया जाएगा। और जो जन सामान्य की जो समस्याएं आती हैं, चाहे पीडीएस की हो या सीमांकन को लेकर, कब्जे को लेकर, उस पर भी अभियान चला के हम लोग काम करेंगे, ताकि आप जनता को राहत मिल सके। मैं पता कराता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या स्थिति है विकास को लेके, लेकिन यह सही है कि जिले के जो पिछड़ा इलाका है उसके अंदर पौधे की वगैरह की गिनती होती है। तो हम लोग यहाँ पर चाहेंगे कि आपसी समन्वय बना के नेताओं का साथ में लेते हुए और उन लोगों की जो योजना उसको धरातल पर लागू किया जाए ईमानदारी के साथ में, ताकि इस क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ज़्यादा ताकि पूरे शहर को बचाया जा सके। क्योंकि यदि कोई भी बीमार आदमी अगर जनता से घुल मिल जाता है, उसको 2 या 3 दिन बाद हमने उसको डिटेक्ट किया, तो बीमारी फैल सकती है। आम जन से भी हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम लोग को सहयोग करें। हमारा कॉल नंबर, कॉल सेंटर नंबर जाने वाले सबके बीच में, उस पर बताएं कि कोई आदमी बाहर से आया है, उसे जांच नहीं कराई, ताकि उसकी जांच करा सकें और जांच करने के बाद ही उसको शहर में अपने परिवार और बाकी लोगों से मिलने दिया।